हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हरविंदर है और मेरे चैनल बेस्ट फीचर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो करने जा रहे हैं कि जो सैमसंग 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर आपको प्रोवाइड करवाता है और उसके साथ साथ जो बेस्ट वारंटी देती है कंपनी की तरफ से जो आपको एक्सपीरियंस मिलती है उसके बारे में। अब 5-in-1 कन्वर्टेबल कैसे कन्वर्ट होंगे, इनका बेनिफिट क्या है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मेरे फ्रेंड आइए, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करें। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर है क्या। 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर क्या है, जैसे कि अब डेटन कैसी है, प्रॉपर डेटन पे तो चलेगा। अब डेटन में है क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने चार्ज दिया हुआ है, डेटन का जो 3-star AC है वो 100% जिस टाइम यूज़ करते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे 1500-1600 वॉट पे चलता है। तो अब जैसे आप AC को ऑन कर दोगे, ये देखिए, तो ये बाय डिफॉल्ट 24 टेम्परेचर सेट है, पर 24 से अप करना है डाउन करना है वो आपके हाथ में है, जिस भी तरह से आपको जरूरत लगती है। तो ये 100 पे तो चलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी कूलिंग को मैं डेटन यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ओनली 1.3 चाहता हूँ और ये 80% चाहता हूँ, तो ये 5 mode दिए हुए हैं। इस पर जैसे स्टेप पे क्लिक करोगे तो ये 80% पे चला जाएगा। 80% का मतलब है कि इसकी जो वोल्टेज होएगी डेटन की, नियर अबाउट 1250 या 1300 के वोल्ट के बीच में ये चलेगा। और उस समय पर इसका 20% कम कर लीजिए, मोटा सा 1.3 turn चलेगा। अगर चाहते हो आप कि और कम करें, पर जैसे ही आपने 80% की कमांड, आपने AC को ऑन किया और 80% की कमांड दे दी, तुरंत 1.3 पे कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि 1.5 को डेटन और इसका 20% कम कर लीजिए। और कम करना चाहते हो तो 60% पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टोटल कूलिंग कैपेसिटी का ओनली 60%। 60% का मतलब होगा कि ये मोटा सा आपका चल रहा है 0.8 या 0.85 के राउंड में, तो उस समय पर इसकी वोल्टेज चली जाएगी 900 या 960 के राउंड में। तो जैसे जैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको, इसकी कूलिंग भी आपको उसी हिसाब से देगा, ये फैन की स्पीड भी उसी हिसाब से देगा, और साथ ही साथ जो इसमें बिजली की कंजप्शन होती है वो भी उसी हिसाब से। और उसके साथ साथ आप और कम करना चाहते हो तो इसको एक बारी और प्रेस कर दीजिए तो 40% पे चला जाएगा। 40% का मतलब है 0.6 turn के राउंड, या 0.6 से 0.5 के राउंड, ऐसे मोटा एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। और कूलिंग को बढ़ाना चाहते हो आप तो इसको 120% भी कर सकते हो, यहाँ पर ये 1.7 turn पर भी चला जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आपने 1.7 turn पे चला दिया तो ये मोटा सा मान के चलना आपका 1800 या 1900 वोल्ट की बिजली की कंजप्शन के हिसाब से चलेगा, जो कि स्टार्टिंग लोड होगा। अब ये कन्वर्टेबल जो है ये मोड, ये कब यूज़ होंगे, अब यूज़ तो आपके हाथ में, जब मर्जी यूज़ कर लीजिए, पर जैसे जैसे वेदर चेंज होता है और आपके घर में जिस तरह से आपके रूम को जरूरत है, तो उस हिसाब से आपको जरूर यूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक AC के अंदर ही ये सबसे बेस्ट फीचर दिया है सैमसंग ने। जैसे आप फैन की स्पीड है, फैन में एक इंडिकेटर लगा होता है रेगुलेटर, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको कंट्रोल करते हो उसकी स्पीड, उसी तरह से रिमोट के अंदर ये बटन देते हो। तो जैसे जैसे आप कन्वर्ट करोगे ये कूलिंग को और इसकी फ़ैन की स्पीड को और बिजली की कंजप्शन को, उसी हिसाब से स्टार्टिंग। वैसे तो आपको होगी कि स्टार्टिंग से ही इन्वर्टर वाला AC है, स्टार्टिंग लोड तो अच्छा, चलो ठीक रहता है, उसके बाद तो धीरे धीरे कम हो जाता है। धीरे धीरे तो कम होगा, पर अगर आपके रूम को इतनी जरूरत ही नहीं है कि डेटन पे चलाओ स्टार्टिंग से, तो उस तरह से ये AC को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी जो बेस्ट वारंटी देती है उसके बारे में मैं कुछ आपको डीपली बताने जा रहा हूँ। अब इसकी जो गारंटी है वो किस तरह से है, किस किस चीज़ पर एप्लीकेबल है, वो अब इसमें क्या दिया है कंपनी ने, 10 year कंप्रेसर वारंटी दी हुई है। जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्रेसर आता है उसकी 10 साल वारंटी है, पर 10 साल के अंदर गैस रिचार्ज भी फ्री है, ओनली 1 time। 1 time मतलब है फर्स्ट ईयर तो आपकी कंप्लीट है, उसके बाद जो 9 साल बचे हैं उसमें 1 time आपको गैस रिचार्ज फ्री मिलेगी। उसके साथ साथ 5 साल जो कंडेंसर गारंटी दी हुई है। कंडेंसर गारंटी में क्या होगा, जो कॉपर का कंडेंसर दिया हुआ है उसकी गारंटी मिलेगी 5 साल, और कंडेंसर की अगर रिप्लेसमेंट होती है तो वहाँ पर आपकी गैस रिचार्ज भी कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ 5 साल PCB इंडोर और आउटडोर दोनों की पावर कंट्रोल ऑफ बोर्ड, जो इन्वर्टर के अंदर सबसे मेन पार्ट है, उसकी वारंटी मिलेगी।
और 5 साल इसमें फैन मोटर की भी वारंटी दी हुई है जो कि कोई भी कंपनी नहीं देती। उसके साथ साथ 5 साल इसमें ना एक ठंडा करने वाली ई रेपरेटर कोयल्स बोलती हैं उसकी भी वारंटी मिलती है। और इसके साथ साथ इसमें आपको कंपनी के अकॉर्डिंग 132-290 स्टेबलाइजर की भी जरूरत है। अगर आपके एरिया में 200-220 के राउंड में बिजली रहती है, नॉर्मली एक एसी को चलने के लिए 180 वोल्ट ही चाहिए क्योंकि 150 वोल्ट की हैं वैसे तो बहुत कम चांस होता है, तो आपको कूलिंग नहीं करेगा। एसी के चलने के लिए 180 वोल्ट तक ही 200-220 के राउंड में जैसे रहती है 170-180 रहती है तो उसमें स्टेबलाइजर की जरूरत है। तो फ्रेंड कैसी लगी ये वीडियो? बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य। थैंक यू।